उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है और उनकी जगह बदायूं लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार दुर्विजय शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें इसके तहत ही जब भाजपा सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को टिकट कटने की जानकारी लगी तब वह यह सुनते ही संघमित्रा मंच पर ही रोने लगी और उन्हें रोता देख किसी ने ढाढ़स भी नहीं बंधाया। इसके बाद वह मंच से उठकर चली गई। बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों की वजह से संघमित्रा मौर्य के टिकट कटने की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी।